क्वेश्चन नंबर 17, इसे भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। तो इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 5y इक्वल टू 1। मान लो कि ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या है, सेकंड। अब हमें कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। तो देखो इसमें x, फर्स्ट वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, 3 एंड सेकंड में इसका क्या है, 4। तो या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दे और सेकंड वाली इक्वेशन को 3 से। तो देखो यहाँ भी 12 आ जाएगा, यहाँ भी 12, मतलब कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। हम देखो क्या नेक्स्ट स्टेप क्या करें, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 4 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 3। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 12x प्लस 16y इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हुई, इक्वेशन फर्स्ट ही मानो इसको जो मल्टीप्लाई होके आई एंड अगेन इसको सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो कितना हो जाएगा, 12x प्लस 15y इक्वल टू 9। ओके, अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, ये वाली स्टेप क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो ये इक्वेशन सेकंड है ना, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस के लिए क्या, सिंपली माइनस साइन लगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस। ठीक है, तो 12x माइनस 12x क्या हो जाएंगे, बट एंड 16y में से अगर माइनस 15y करेंगे तो कितना आएगा, y वही, ओके एंड दिस इज 0 माइनस 9। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस 9, और यहाँ पे कुछ एक मिस्टेक हो गई है, ये बंद था है ना, ये वन था। तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 1 और यहाँ पे अगर 1 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 3। तो नाउ अब 0 में से माइनस 3 जाए तो कितना बचेगा, माइनस 3 y इक्वल टू कितना है, माइनस 3। y इक्वल टू कितना आया, माइनस 3। अब अगर y इक्वल टू माइनस 3 को किसी भी मतलब इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दो, ठीक है, लेट पुट y इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 4 इंटू माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, कितना आएगा, 3x, ये 4 इंटू माइनस 3 कितना होगा, माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 3x यहाँ से कितना आ जाएगा, इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू 12 अपॉन 3 जो कि है 4। तो हमें क्या मिल गया, x इक्वल टू 4। तो सॉल्यूशन मिल गया y इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू 4।